हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निकीस किचन। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ बर्गर। आज जो मैं आपके सामने रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप अपने जो घर में जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बर्गर आप उन्हीं सब चीज़ों से बना सकते हैं। ये इतनी आसान है और इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है कि आपने बर्गर रेस्टोरेंट में खाया होगा, बट ये रेसिपी देखने के बाद आप घर में भी ज़रूर बना सकते हैं। बर्गर सभी लोग खाते हैं, बड़े भी, बच्चे भी, सभी लोगों का ये फेवरेट होता है। यहाँ पर जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, उसके हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हैं, मैं यहाँ पर दो ऑनियंस ले रही हूँ। मैंने एक ऑनियन को फाइन चॉप काटा है और एक ऑनियन को मैंने रिंग्स में काटा है। दो टमाटर लिए हैं, एक को मैंने फाइन चॉप काटा है और एक को मैंने गोल गोल रिंग शेप में काटा है। मैंने आधा खीरा लिया है, आधा गाजर लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, एंड चार मैंने गार्लिक जो है वो काट के ली है। लहसुन की कली जो मैंने ली है वो मैंने काट कर ले ली है यहाँ पर। और जो आलू हैं वो मेरे बॉइल्ड पोटैटो हैं, मैंने उन्हें अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, इसमें मैं यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 3 स्पून मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। जब आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो हम टिक्की बनाएंगे बर्गर की, आलू टिक्की, मैं उसकी प्रोसेस आपको बता रही हूँ। हमारा जीरा जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आधा टेबल स्पून गार्लिक ऐड करूँगी, जो मैंने अच्छी तरह काट के रखा था। गार्लिक हल्का ब्राउन हो जाए, लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो भी आपने ऑनियंस वगैरह ली है वो ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि बर्गर में आपकी जो लहसुन है वो कच्ची ना रह जाए, इसके वजह से आप इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। मेरा ज़ीरा भी अच्छा कलर का आ गया है और यहाँ लहसुन भी मेरे अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया। यहाँ पर मैंने ऑनियन ऐड कर दिया, जो कि मैंने फाइन चॉप करके लिया था। यहाँ मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है। ऑनियन ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह चला चला के मिक्स कर रही हूँ, एंड जो ऑनियन है उसको भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर अगर हाई फ्लेम यूज़ करें तो आप कंटिन्यू चलाते रहें, ताकि जो भी आपका जो आपने ये लहसुन एंड प्याज यूज़ किया है ये जल ना पाए। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, जो कि मैंने छोटे छोटे पीस में फाइन चॉप्ड करके लिए थे। आपके पास और भी एडिशनल जो वेजीज है आप वो भी डाल सकते हैं, लाइक कैबेज भी आप डाल सकते हैं, उसको भी आप अच्छी तरह बारीक काट के ले लें और वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला है। जो वेजीज मेरे पास अवेलेबल थी वो सब मैंने यहाँ पर यूज़ की है। इसको मैंने अच्छी तरह चला दिया है और यहाँ पर ये अच्छी तरह पक रही है। ध्यान रखिए कि जो हमारी गाजर है ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, ये इसी टाइप से गलती रहेगी। आप इसको बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये नीचे साइड से जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ली थी, जो कि मैंने बारीक काट के ली थी। यहाँ पर ग्रीन चिली जो मैंने ली है वो मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ ली है, उसको मैंने अच्छी तरह काट के यहाँ पर ले लिया है। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे ताकि जो हमारी गाजर है वो अच्छी तरह पक जाए, जो वो कच्चापन है उसका वो सब दूर हो जाए एंड जो हमारी गाजर है वो सॉफ्ट भी हो जाएगी एंड प्रॉपर तरीके से पक भी जाएगी। यहाँ पर मैंने अपना जो कवर इसको किया था वो मैंने हटा दिया। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह जो मसाले हैं उसको अच्छी तरह मैं चला कर मिक्स कर लूँगी। इसको मैं कुछ टाइम के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रखूँगी ताकि जो हमारे मसाले वो अच्छी तरह पक जाएं। सो अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ मेरे मसाले पक चुके हैं। अब मैंने जो फाइन चॉप्ड टोमेटो लिया था मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ। टोमेटो ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बॉयल्ड आलू लिए थे, मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ। 2 बॉयल्ड आलू लेने के बाद आप इसे कुछ इस टाइप से मसाले में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती ली है, मैंने उसको अच्छी तरह चला लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बन लिए हैं, आप इसको पाव भी बोल सकते हो। ये मैं टॉप एंड टाउन का पाव यूज़ कर रही हूँ, बन यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े बड़े साइज़ के बने, इसका जो हमारा बर्गर है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। इस टाइप से मैं गोल गोल करके इसकी जो टिक्की है वो तैयार कर लूँगी। मैं पूरे मसाले की टिक्की अच्छी तरह बना के तैयार कर लूँगी। मेरे 2 यहाँ पर बर्गर है तो मैं फ़िलहाल 2 टिक्की आपको तैयार कर बता दूँ। तो इस टाइप से आप 2 टिक्की तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, बोल में यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर में ये जो मैं टिक्की है इसको डाल दूंगी, अच्छे से अलट पलट कर जो कॉर्नफ्लावर का पाउडर है वो पूरी तरह में जो मेरी टिक्की है उसमें लग जाएगा। मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी टिक्की है उसमें थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाए। इस टाइप से आप जो टिक्की है उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो मैंने दोनों जो टिक्की है उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करके उसको प्लेट में रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया थोड़ा सा। मैं ध्यान रखी यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल फ्राई दे रही हूँ। वैसे आजकल सभी लोग इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि डीप फ्राई चीज़ें खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी कम ऑयल में ही बनाएं। सो देखिए, मैं इसको अलट पलट कर अच्छी तरह जो टिक्की है उसको फ्राई कर लूँगी। आप उसको दबा दबा कर फ्राई करें ताकि जो वो अंदर से कच्ची रहेगी तो वो पक जाएगी, और ये है कि जो आपकी टिक्की का शेप है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो एक बन है उसके 3 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपका छोटे साइज का बन है तो आप 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पार्ट उसके कर लिए हैं। यहाँ पर जो मैं इसका बेस पोर्शन है, जो उसका सबसे लास्ट पोर्शन है, यहाँ पर मैं वो ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च की जो चटनी है वो पीस के रखी है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ली थी मैंने एंड 1 मुट्ठी जो मेरा था हरा धनिया और नमक डाल के मैंने ये चटनी पीस ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा जो बन है, जो उसका लास्ट जो पीस है, हमने जो हर एक पार्ट में डिवाइड 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैं उसका लास्ट पोर्शन पे यहाँ पर जो ग्रीन चटनी है वो लगा रही हूँ। आप ये चटनी है तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो ग्रीन चिली की चटनी है वो बहुत ही कम लगाएं। इस टाइप से मैं उसकी एक कोटिंग तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने टोमेटो कैचअप लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टोमेटो कैचअप, टेस्ट तो ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा होता है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन यहाँ पर
जो कैचअप है टोमेटो कैचअप वो लगाती है। सॉस लगाने के बाद जो मैंने यहाँ पर टिक्की बनाकर तैयार करी थी आप यहाँ पर वो डाल देंगे। ध्यान रखिए कि ये बहुत ही नरम होती है, बहुत ही इसके वजह से ये टूटने का इसमें डर रहता है, तो आप बहुत ही धीरे से उठाएं और धीरे से आप उसको बन के ऊपर प्लेस करें। मैंने यहाँ पर बन के ऊपर जो है वो टिक्की रख दी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ का स्लाइस ले रही हूँ, यहाँ मैं वो डालूँगी। यह मैंने टिक्की के ऊपर जो है वो रख दिया है। यहाँ हम लेयर बाय लेयर इसको रेडी कर रहे हैं। अब जो मेरा मिडिल पोर्शन है बन का, मैंने इसके ऊपर वो रख दिया। अगेन मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी यूज़ करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चटनी है वो यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ अगेन। सो यहाँ पर मैं जो मैंने टमाटर काट के रखे थे, प्याज जो मैंने काट के रखी थी, यहाँ पर मैं वो सब ऐड कर दूँ। आप या तो फिर सबसे पहले प्याज रखें, उसके ऊपर टमाटर रखें, आप आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बेस बनाया है टमाटर का, उसके ऊपर मैंने ऑनियन डाला है, प्याज, उसके ऊपर मैं खीरा रख रही हूँ। अगर आपके पास कैबेज है, पत्ता गोभी, आप वो भी डाल सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर जो है ऊपर साइड इसको जो हमारा बन है उसका जो अपर मोस्ट पार्ट था वो मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। सो इस टाइप से मैं जो अपने बर्गर हैं वो रेडी कर लूँगी। मैंने अपने दोनों बर्गर जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो है बटर यूज़ किया है। अगर आपके पास बटर नहीं है, घी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स ली है। अब मैं यहाँ पर जो मेरा बर्गर है मैं उसको सेक लूँगी। मेरा इस टाइप से जो बर्गर है वो सेक रहा है। ध्यान रखिए कि आपका जो बर्गर है वो जले ना, इसके वजह से आप जो आपकी गैस की फ्लेम है वो थोड़ा मैनेज करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि पैन ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप आपकी जो गैस की फ्लेम है वो लो कर लीजिएगा, अदरवाइज हाई ही रहने दीजिएगा। आप इसे अच्छी तरह गर्म करिए। यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ। जो हमारा बर्गर है वो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होगा। सो अब जो है मैं बर्गर को पलट रही हूँ। मैं यहाँ पर एक टॉन्ग की हेल्प ले रही हूँ और मैंने इसको यहाँ पर पलट लिया है। अब मैं दूसरे साइड से भी इसको इसी टाइप से सेक लूँगी। इस टाइप से जो आपका बर्गर है वो दोनों टाइप तरफ से सिक जाएगा और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें आपका चीज़ का भी टेस्ट आएगा, बटर का भी टेस्ट है, एंड आपकी जो वेजीज है उसका भी टेस्ट है, केचप का, चटनी का, सभी चीज़ का टेस्ट है। गाइस आप यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। ऐसा बर्गर आपने मार्केट में तो खाया होगा, बट ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरे साइड से भी जो हमारा बर्गर है वो सिक कर तैयार हो गया है। जब भी आप बर्गर बनाए तो उसे गर्मा गर्म सर्व करिए। इसका गर्मा गर्म ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं यहाँ पर एक टूथपिक ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने उसको प्लेस कर दिया है ताकि जो बर्गर की हमारी जो सेटिंग है अंदर से वो बिगड़े ना। सो ये हमारा जो बर्गर है वो बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस हम लोगों का जो बर्गर है चीज़ बर्गर वो बनकर रेडी हो चुका है। ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। शुक्रिया।